Hey guys, welcome back to the Chatpat Toy TV. मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मेरे पास है यहाँ पर दो मैक लेजेंड्स आरसी कार। ये जो कार है इसके ऊपर गन लगी हुई होती है, इसके अंदर से बुलेट्स वगैरह फायर कर सकती है। अपनी दूसरी वाली कार है रॉकेट्स फायर करने वाली आरसी कार, इसके ऊपर देखो कैनन लगा हुआ है, इसके अंदर से ये जो कार है रॉकेट्स वगैरह शूट कर सकती है। तो चलो सब फटाफट से दोनों को करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं कौन सी कार आज जीत पाती है। लेट्स स्टार्ट फाइट। अपन सबसे पहले फर्स्ट वाली कार को निकाल लेते हैं बॉक्स के अंदर से बाहर। अगर आप ये कार खरीदना चाहते हो तो वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये कार खरीदने का बाय लिंक मिल जाएगा। तो भाई ये देखो, इसका नाम है फैटल गन कार। यहाँ पर इस कार के अंदर गन लगी हुई होती है। ये देखो इस तरह का मॉडल ये इस बॉक्स के अंदर से मिला है हमें। इसके साथ मिलता है ये वाला रिमोट, 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट है और रिमोट के अंदर बहुत ज्यादा बटन्स वगैरह दिए हुए हैं। और यहाँ पर देखो इसके कुछ वाटर बुलेट्स मिलते हैं, गन के अंदर डालना होता है, किस तरह से डालना है ये सारी चीजें मैं आपको करके बताने वाला हूँ। और एक बैटरी भी मिलती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर भी मिलता है। तो भी अपन इस दूसरे वाले बॉक्स को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। इसका भी बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इस कार को भी खरीद सकते हो। तो बॉक्स को मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। बॉक्स की हालत बड़ी ही खराब हो चुकी है गाइस। तो यहां पर देखो गाइस, ये है अपनी आरसी कार और भाई इसका मॉडल देखो कुछ अलग ही है। इसके अंदर जो है गन नहीं है, गन के प्लेस में इन लोगों ने रॉकेट यहां पर लगाकर दिए हुए हैं। तो इसको अपन रखते हैं साइड में। ये है दोस्तों इसका रिमोट, बिल्कुल जो फर्स्ट वाली कार में हमें रिमोट मिला था उसी तरह का रिमोट है, बस कलर थोड़ा सा चेंज है इसका। बैटरी बिल्कुल फर्स्ट वाली कार में जिस तरह की बैटरी मिली थी उसी तरह की बैटरी इसके अंदर भी मिली है और बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर भी मिला है। और ऑलमोस्ट दोनों कार जो है बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देती है। यहाँ पर जस्ट दोनों की हाइट में जो है थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है मेरे को। इसकी हाइट देखो गाइस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ऊपर इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से एक टॉय गन फिट करके रखी हुई है। वहीं इस कार के अंदर देखो ऊपर प्रॉपर तरीके से एक कैनन फिट किया हुआ है और यहाँ पर कुछ रॉकेट्स भी इन लोगों ने लगा रखे हैं, एलईडी लाइट्स वगैरह भी दे रखी है। और ये जो एजाइल व्हील्स है पूरी तरीके से रबर के बने हुए हैं। यहां तक दोनों की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, काफी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी बनाई है इन लोगों ने। और इन दोनों ही कार्स को जो है आप कोई भी टर्न में चला लो काफी अच्छी तरीके से चल जाती है। यहाँ पर सिल्वर कलर दिया हुआ है और यहाँ पर इसके आइस जैसा कुछ डिजाइन बनाया हुआ है इन लोगों ने। नीचे की तरफ यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है। इस कार को भी देखो गाइस बहुत ही ज्यादा हार्ड प्लास्टिक से बिल्ड किया हुआ है। पीछे की तरफ यहाँ पर एक स्पीकर भी दिया हुआ है, इसके अंदर भी हमें यहाँ पीछे की तरफ एक स्पीकर देखने को मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर देखो इस कार के अंदर जिस तरह का बैटरी कंपार्टमेंट है इसके अंदर भी उसी तरह का बैटरी कंपार्टमेंट है। यहाँ पर दोनों ही रिमोट्स के अंदर देखो गाइस सेम बटन्स देखने को मिलते हैं दोनों के अंदर, यहीं पर ही सेम टू सेम ऑन ऑफ स्विच भी देखने को मिलता है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी गाइस। तो चलो अभी चलते हैं बाहर, कराते हैं दोनों के बीच में फाइट। दोस्तों चलो फटाफट से दोनों कार्स को जो है इंडोर में मैं आपको चला के बताता हूँ, देखते हैं छोटे से एरिया में ये जो कार है काम करती है कि नहीं। तो भाई देखो यहाँ पर मैं इसको चला रहा हूँ, काफी बढ़िया तरीके से कंट्रोल हो रही है और इसको छोटे से एरिया में भी हम काफी बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। रिमोट बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिव है और रिमोट की क्वालिटी भी मेरे को काफी ज्यादा जबरदस्त लगी। इसको हम चाहे तो साइड बाई साइड भी इस तरह से चला सकते हैं। देखो ये बटन मैंने जैसे ही दबाया ये जो कार है ना भाई काफी गजब तरीके से डेमो वगैरह भी दिखाती है। अभी अपनी रेड कलर की कार को यहाँ पे चला के देख लेते हैं। ये भी जो कार है भाई छोटे से एरिया में काफी बढ़िया तरीके से चल जाती है और रिमोट भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका काम कर रहा है। इसको भी जो हम लोग साइड बाई साइड चला सकते हैं इस तरह से। और इसके अंदर भी जो है एक डेमो का बटन मिलता है, डेमो जैसे ही दबाते हैं अलग अलग तरह से डांस वगैरह करने लगती है और काफी अच्छी तरीके से अलग अलग तरह के म्यूजिक भी बजाती है। ग्रीन कलर की कार का रॉकेट पावर टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं भी शूट करके बताता हूँ। ओ भाई कितने ज्यादा फास्ट तरीके से शूट कर रही थी, यहाँ पे देखो मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखा रहा हूँ। तो भाई ठीक ठाक सी ही पावर है इसके रॉकेट्स की। तो अभी अपनी रेड कलर की कार के अंदर बुलेट्स डाल लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसके अंदर वाटर बुलेट्स डाल दिए, अभी शूट करते हैं इसे। ओ माई गॉड देखो गाइस इसका तो निशाना भाई एकदम एक्यूरेट लग रहा है, सीधा मेरे कैमरा पर ये शूट कर रही है कार। तो भाई स्पीड इसकी ठीक ठाक ही है और मेरे को इसके जो वाटर बुलेट्स है बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। दोनों ही कार को फटाफट से 360 डिग्री में आपको घुमा के बता रहा हूँ। ग्रीन कलर की कार जो है बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से घूमती है, रेड कलर की कार थोड़ा सा स्लो घूम रही है क्योंकि इसके ऊपर ये जो गन लगी हुई है बहुत ज्यादा भारी है। और दोनों ही कार जो है घूमते हुए शूट भी कर सकती है। ग्रीन कलर की कार देखो गाइस इस तरह से रॉकेट वगैरह फायर कर सकती है, अपनी रेड कलर की कार देखो घूमते हुए इस तरह से बुलेट्स भी फायर कर सकती है। ग्रीन कलर की कार के सामने मैंने रख दिए हैं इतने ढेर सारे कप्स, देखते हैं ये गिरा पाती है कि नहीं। तो गाइस फर्स्ट राउंड में तो इसने नहीं गिराया, सेकंड राउंड में मैं यहाँ पे एक और बार कोशिश कर रहा हूँ, यार शायद ये गिराई देगी। लास्ट रॉकेट है देखो गाइस सारे के सारे जो
ग्लासेस है ढेर हो चुके हैं यहाँ पर। सेम टेस्ट करते हैं अपनी रेड कलर की कार के साथ। देखो सामने इतने सारे ग्लासेस हैं और भाई इसके जो बुलेट्स हैं ना भाई बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। देखो गाइस जस्ट दो बुलेट्स में इसने सारे के सारे कप जो है ढेर करके रख दिए। यहाँ पर क्लियरली विनर है अपनी रेड कलर की कार। अभी करते हैं दोनों के बीच में आमने सामने वाली फाइट, देखते हैं यहाँ पर कौन जीत पाता है अपनी ग्रीन कलर के रॉकेट। देखो भाई किधर ही जा रहे हैं यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। रेड कलर के जो बुलेट्स है भाई एकदम निशाने पर लग रहे हैं क्योंकि इसके अंदर लेजर लाइट दी हुई है। अभी कराते हैं दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं यहाँ पर कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है, मेरे को लग रहा है कि दोनों के बीच में टाई होगा। नहीं नहीं गाइस, यहाँ पर देखो अपनी रेड कलर की कार जो है ग्रीन कलर की कार पर बहुत ज्यादा भारी पड़ चुकी है और भाई इसने इसको पूरी तरीके से पीछे ढकल दिया। अभी कराते हैं गाइस दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं यहाँ पर कौन जीत पाता है, कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल आरसी कार, रेड कलर की कार या फिर ग्रीन कलर की कार। ओ भाई दोनों देखो गाइस एकदम से विली मारना चालू कर चुके हैं, दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है और अपनी रेड कलर की कार को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका है। और भाई यहाँ पे देखो इसने इसको उल्टा पटकनी दे दिया, यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी रेड कलर की कार और भाई बहुत ज्यादा जीते जा रही है अपनी रेड कलर की कार। दोस्तों अभी कराते हैं दोनों के बीच में स्पीड टेस्ट, देखते हैं इस स्पीड टेस्ट में कौन सी कार विनर हो पाती है। दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है, दोनों देखो गाइस बराबर में ही चल रहे हैं। यहाँ पर अपनी ग्रीन कलर की कार जो है थोड़ा सा आगे चल रही है और अपनी रेड कलर की कार इसका पीछा करते हुए आ रही है। देखते हैं कौन सी कार यहाँ पर फास्टेस्ट है और भाई यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी ग्रीन कलर की कार। अभी दोनों के बीच में क्लाइम करा के देखते हैं, यहाँ पे देखो गाइस बहुत ज्यादा मिट्टी पड़ी हुई है और इतनी ज्यादा मिट्टी से भी अपनी जो ग्रीन कलर की कार है भाई बहुत ज्यादा आसानी से निकल चुकी है ग्रीन कलर की कार। रेड कलर की कार को यार यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पर ऑलमोस्ट देखो गाइस यहाँ से ये निकल चुकी है। दोनों के बीच में लाइट्स कंपेयर करके भी मैं आपको बता देता हूं। अभी देखो रूम के अंदर मैंने सारी की सारी लाइट्स बंद कर दी है, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा भर भर कर लाइट्स दी गई है। अपनी ग्रीन कलर की कार के व्हील्स के अंदर देखो गाइस कितनी ज्यादा लाइट्स है, अपनी रेड कलर की कार के अंदर भी देखो कितनी ज्यादा लाइट्स दी गई है और ये जो लाइट्स है भाई अपना कलर भी चेंज कर सकती है। वहीं दोनों के गन्स के अंदर देखो गाइस रेड कलर की कार के अंदर लेजर लाइट भी देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ अपनी ग्रीन कलर की कार के अंदर कोई भी लेजर लाइट नहीं दी गई है, ये एक सिर्फ नॉर्मल वाली एलईडी लाइट इन लोगों ने दे रखी है। तो भाई दोनों ही कार देखो नाइट में बहुत ज्यादा ऑसम नजर आती है। तो यहां पर मेरे को लग रहा है कि क्लियरली विनर है अपनी रेड कलर की आरसी कार क्योंकि इसके अंदर लेजर लाइट दी गई है, इससे इसका निशाना जो है बहुत ज्यादा फास्ट बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। अभी देखते हैं भाई अपनी रेड कलर की कार जो है बिग फुट का वेट खींच पाती है कि नहीं, बहुत ज्यादा इजी बहुत ज्यादा आसान तरीके से इसने इतना ज्यादा वेट खींच लिया है। दोस्तों सेम टेस्ट करते हैं अपनी ग्रीन कलर की कार के साथ, देखो पीछे मैंने बिग फुट बांध दिया है, देखते हैं इसको एक खींच पाती है कि नहीं। ये भी जो कार है ना भाई उतनी ही ज्यादा पावरफुल लग रही है, बहुत ज्यादा इजी तरीके से इसने बिग फुट को खींच लिया है। ग्रीन कलर की कार को जो है मैंने रोड पर भी फुल स्पीड से दौड़ा के देख लिया, इसकी स्पीड 15 से 20 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी रेड कलर की कार की स्पीड जो है इससे बस थोड़ा सा ही कम है, 15 से 18 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये वाली रेड कार पसंद आई या फिर आपको ग्रीन कलर की कार पसंद आई, नीचे कमेंट करोगे इस फटाफट से अभी का अभी। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है अभिलाष, लक्ष, दीप, तेजेश्वर नायक, विलियम, शहबाज, उजैर, गुरु करणवीर सिंह, प्रियांश, जतिन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको भी शाउट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।